गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टू आई वांट जो है उसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम। तो आपने जो यूनिट टू आई वांट है उसमें आपने एक मंकी की जो स्टोरी है वो आपने सुना, और हम उसी के यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो एक्सरसाइजेस फ्रॉम द बुक से हम एक्सरसाइज देखेंगे। पुट राइट और रॉन्ग अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है वो हमें राइट या रॉन्ग करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया गया है। तो हम सब देखेंगे, आपको राइट या रॉन्ग बताना है। फर्स्ट, द लिटल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जो लिटल मंकी है वो wants to be बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? big and strong, वो बड़ा और strong बनना चाहता है। second, a wise woman does not hear him, a wise woman जो है does not नहीं सुनती, वो hear यानी सुनना, नहीं सुनती, तो ये तो गलत है, रॉन्ग। शी गिव्स हिम अ वांड, उसे ए वो वांड देती है, तो ओके यस। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, जो जिराफ है वो अपनी गर्दन लॉन्ग स्ट्रेच करता है, तो यस। द एलिफेंट हैज नो ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक नहीं है, तो रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। द ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स, ज़ेब्रा को स्ट्राइप्स है, यस। द लिटल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर, वो लिटल मंकी जो है वो रिवर में मॉन्स्टर देखता है, तो यस। अभी क्वेश्चन है, लेट्स लिसन, हमें सुनना है, लेकिन हमें यहाँ सुनना है और उसके साथ साथ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वो भी करना है। तो हम यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डज लिटल मंकी वांट टू बी, व्हाट डज लिटल मंकी वांट टू बी, वांट यानी वो यहाँ लिटल मंकी क्या बनना चाहता है, वांट यानी उसकी इच्छा क्या है, और टू बी यानी कि बनना, तो क्या बनना चाहता है। द लिटल मंकी वांट्स टू बी स्ट्रांग, लिटल मंकी स्ट्रांग बनना चाहता है। हु हियर्स हिम, हु हियर्स हिम, उसे कौन सुनता है, तो उसका आंसर है अ वाइज वुमन हियर्स हिम, एक वाइज वुमन जो एक चतुर वुमन है वो उसे सुनती है। नेक्स्ट, हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ, हाउ डज वो कैसे, एलिफेंट जो है वो कैसे नहाता है, उस वो कैसे नहाता है। आंसर, एन एलिफेंट फील्स, जो एलिफेंट है वो फील्स हिज ट्रंक, उसकी जो सूंड है वो भरता है, विथ वाटर, वाटर से वो भरता है, एंड ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ, और जो ब्लोज जो है वो उसके ऊपर वो फेंकता है। डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्राइप्स, ज़ेब्रा के पास जो उसके पास स्पॉट्स है उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर स्पॉट्स है या फिर स्ट्राइप्स है। स्पॉट्स यानी कि जो गोल गोल होते हैं वो, और या और फिर स्ट्राइप्स यानी कि लंबे निशान, या फिर स्ट्राइप्स स्पॉट्स यानी कि गोल गोल निशान। ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, ज़ेब्रा के पास उसके बॉडी के पास ऊपर ज़ेब्रा है स्ट्राइप्स, उसके ऊपर पट्टे होते हैं, ऑल ओवर हिज बॉडी, बॉडी के ऊपर पट्टे होते हैं। हु व्हाई डज लिटल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन, लिटल मंकी जो है वो उसके ऊपर वो अगेन यानी फिर से वो क्यों अपने आप बनना चाहता है। द लिटल मंकी
द लिटल मंकी फाउंड उसे लगा हिमसेल्फ लुक लाइक अ मॉन्स्टर उसे मॉन्स्टर जैसे लगा देयरफॉर इसलिए ही वांटेड टू बी हिमसेल्फ अगेन वो अपने आप वो बनना चाहता है क्योंकि वो उसे क्या लगा कि उसे लगा कि मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ तो इसीलिए वो अपने आप को पहले की तरह मंकी के रूप में देखना चाहता है। अभी आपको यहाँ एक्ट कर यहाँ एक्ट आउट द स्टोरी आपको एक्ट आउट करनी है आपको प्ले करनी है प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी आपको मंकी की मंकी जो है उसका जो कैरेक्टर है वो आपको निभाना है। द वाइज वुमन एंड द मदर इन टर्न्स इन द क्लासरूम क्लासरूम में आपको ये सब करना है कि आपको वाइज वुमन बनना है मदर मदर भी बनना है ये सब बनना है इन द क्लासरूम लेकिन अभी क्लासरूम तो चालू नहीं है तो आप लोग घर पे कर सकते हो। वॉट वुड यू डू क्या करोगे आप इफ यू हैड अ मैजिक वैंड अगर आपके पास मैजिक वैंड होता तो आप क्या करते तो यहाँ पे आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। आई वुड टर्न इट राउंड एंड राउंड मैं उस आई वुड टर्न इट राउंड एंड राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ मैन यानी कि आई वुड टर्न इट राउंड एंड राउंड जो टर्न है जो मैं उसे गोल गोल घुमाऊंगा एंड टर्न अ बुक और बुक को मैं क्या करूंगा इन टू अ मैन मैन जो मनुष्य है जो मैं उसे उसके फॉर्म में मनुष्य के फॉर्म में बदल दूंगा। आई वुड टर्न अ डॉग इन टू अ टॉय अगर आप यहाँ पे मैन जो है तो उस आपको जो भी लगे आपके आंसर लिख दो चलेगा। यहाँ पे डॉग है वो तो डॉग को आप क्या बनाओगे टॉय बनाओगे या फिर कुछ और बनाओगे तो आप लिख सकते हो तो मैं डॉग को टॉय बनाऊंगा अगर मेरे पास मैजिक वैंड होता तो। आई वुड टर्न अ पेंसिल इन टू अ जॉकर मैं पेंसिल जो है उसको मैं जॉकर बनाऊंगा। आई वुड टर्न यू इन टू अ टेबल अगर मेरे पास मैजिक वैंड होता तो मैं तुम्हें सामने वाले को यानी कि सामने जो भी है मैं उसको क्या टर्न करूंगा क्या बनाऊंगा टेबल बना दूंगा मैं उसका। तो आप यहाँ पे मैन टॉय जॉकर या टेबल जो है तो आप अपना अपना जो इच्छा है अपनी विशेष से वो आप लिख सकते हो। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है मंकीज आर फन टू वॉच मंकी को वॉच करने के लिए बहुत ही फन होता है। कैन यू फाइंड द वर्ड आप वर्ड फाइंड कर सकते हो मंकी जो वर्ड है वो फाइंड कर सकते हो फाइव टाइम्स इन द बॉक्स में फाइव टाइम्स आप मंकी जो है वो ढूंढ सकते हो तो फाइव टाइम आपको ढूंढना है तो पहले ये रहा फिर दूसरा ये रहा तीसरा ये रहा मंकी चौथा ये लिखा हुआ रहा मंकी फाइव ये फिफ्थ ये रहा तो पांच बार है जो मंकी यहाँ पे लिखा है तो आप बार ढूंढिए और उसे ऐसे कीजिए ऐसे आप लोग ऐसे राउंड कर सकते हो ऐसे राउंड कर सकते हो तो फाइव टाइम आपका हो गया। नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड आपके फेवरेट एनिमल और बर्ड के बारे में लिखना है बाय कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेस आपको अपने ये सेंटेंस जो है वो आपको कंप्लीट करना है। तो माय फेवरेट एनिमल और बर्ड जो भी एनिमल बर्ड इज मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है तो आप लोग जो भी कुछ लिखना चाहते हो वो लिखो। माय फेवरेट एनिमल और बर्ड पैरोट या फिर कुछ डॉग लिख दो या फिर वॉट एवर यू लाइक आप जो भी चाहे लिख सकते हो। आई लाइक इट मुझे वो पसंद है लाइक इट बिकॉज आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ स्ट्रांग वो मजबूत है इसीलिए मुझे पसंद है।
आई डोंट लाइक इट, वो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरा लायन या जो बर्ड या एनिमल है मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज इट ईट्स अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खाता है, इसलिए मुझे लायन पसंद नहीं है। आई थिंक इट लुक आई थिंक मुझे लगता है इट लुक्स लाइक टाइगर, वो टाइगर के जैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने लायन के बारे में लिखा है, आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप चेंज करके लिख दो। अभी यहाँ पे आपको मैच द एनिमल्स टू इट टू इट्स ग्रुप, आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है। बी, तो यहाँ जो बी है तो यहाँ पे अस्वाम ऑफ बी, अस्वाम ऑफ बीज, जो बीज है, जो मधुमक्खी है वो बीज, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, अस्वाम ऑफ बीज। काउ, काउ को क्या बोलेंगे, अ काउ, तो अ हर्ड ऑफ काउस, अ हर्ड ऑफ काउस, जो काउ, जो बहुत सारी काउ होती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अ हर्ड ऑफ काउस। अ लायन, तो अ प्राइड ऑफ लायन ऐसा बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लायन। अ बर्ड, तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है वो बोलेंगे। तो इसी तरह हमने उसके ग्रुप के साथ मिला दिया। द मंकी ब्रॉट टू हिज मदर, उसकी मदर को उसने, मंकी ने लिखा, आई लुक एवफुल, आई लुक एवफुल। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये लिखा आई लुक एवफुल, उसने लिखा था आई लुक एवफुल। ही मेड टू मिस्टेक्स, यहाँ पे दो मिस्टेक्स है, व्हाट आर दे, कौन सी है वो। राइट द सेंटेंस करेक्टली, आपको सेंटेंस जो है करेक्टली लिखना है, कौन सा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस आपको करेक्टली लिखना है, आई लुक लाइक आई लुक एवफुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई जो है कैपिटल है, कैपिटल होना चाहिए, तो ये रहा कैपिटल लेटर, लुक बहुत ही बराबर है, और एवफुल भी बराबर, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ पे आई कैपिटल और फुल स्टॉप दोनों आ गया। तो ये यहाँ से हमें लिखना है, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और उसके बाद फुल स्टॉप होना चाहिए। पुट द लेटर्स इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर में लिख कर पुट, यानी कि ऑर्डर में आपको लिखना है, टू मेक अ वर्ड, एक वर्ड के लिए आपको ऑर्डर में लिखना है। टू हैव बीन डन फॉर यू, दो जो है आंसर आपको दिए गए हैं, तो हम पहले से देखेंगे यहाँ पे ओटी, ओटी का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन हम ओटी को ऑर्डर में लिखेंगे तो टू ओ, यानी कि टू हो गया। इसी तरह एस आई, तो आई एस लिखा तो इज हो गया। ई एच, तो ई एच का कोई मतलब नहीं, लेकिन ई एच तो एच ही हो गया। गिब, जी आई बी गिब, तो गिब नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे बी, बी आई जी बी की, ऑर्डर में लिखा। तो जो यहाँ पे, जो यहाँ पे ये वर्ड देख रहे हो आप, वो आगे पीछे हो गया है, इसीलिए हमें ऑर्डर में लिखना है, तो हमने ऑर्डर में लिख दिया। एम आई एच मी, इसका कोई वर्ड नहीं होता, तो एच आई एम हिम, उसे हम करेक्ट ऐसे लिखेंगे, करेक्टली ऐसे लिखेंगे। एस आई एच, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, एच आई एस हीज हो गया ये। आर ई एच, तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे एच ई आर हर। एन ए सी, तो यहाँ पे हमने करेक्टली लिखा सी एन कैन। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स आपको बुक में से देखना है, लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट, आपको गिनने हैं और लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन जिराफ, एक जिराफ है, तो यहाँ पे एक जिराफ है, लेकिन यहाँ पे एड एस, आपको एस एड करेंगे टू द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, तो एड एस करेंगे तो क्या हो गया, जिराफ्स, यानी कि एक से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे काउंट एंड राइट, तो कितने जिराफ है, टू जिराफ्स, तो यहाँ पे टू जिराफ्स। वैसे ही वन एलिफेंट हो गया, एलिफेंट्स, एस आया पीछे तो एलिफेंट्स, एक से ज़्यादा एलिफेंट, थ्री एलिफेंट्स, कितने हो गए, तीन एलिफेंट्स। वन जेब्रा, एक जेब्रा हो गया,
जेब्रास एक से ज्यादा हो गया और फोर जेब्रास चार जेब्रा हो गए, वन फ्रॉग एक फ्रॉग हो गया, फ्रॉग्स एक से ज्यादा फ्रॉग, सिक्स फ्रॉग्स छह फ्रॉग्स हो गए। तो यहाँ पे आपको डबल करने हैं। अभी आपको एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइजेस फ्रॉम द वर्कबुक में से ली गई है। कि कहाँ से ली गई है? वर्कबुक में से। ये सभी नीचे एक्सरसाइज हो वर्कबुक में से ली गई है। करेक्ट द जंबल वर्ड्स, आपको जंबल वर्ड जो है वो करेक्ट करने हैं। तो आप वो कैसे करेंगे? यस, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है देखो, लेकिन हम W पहले लेंगे, W A N D, पहले W लिया फिर A लिया फिर N लिया और D, तो वांड हो गया है वांड। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या लिया पहले? T R फिर R लिया, U N K ट्रंक हो गया। यहाँ देखिए आप स्टेरमोनेस, तो यहाँ पे बराबर नहीं लिखा, तो हम लिखेंगे MONSTR मॉन्स्टर हो गया। यहाँ पे NTWN, तो हम उसे करेक्ट लिखेंगे WNT वॉन्ट, NAMY, तो यहाँ पे हम करेक्ट लिखेंगे MYNA मैना। ये क्या हो गया? कुछ PUSOCTO बराबर नहीं है, तो हम इसे करेक्ट लिखेंगे OCTOPUS ऑक्टोपस हो गया। तो आप जब भी आप जंबल वर्ड्स है तो इसी तरह आप लिखिए ऑर्डर से, तो कंप्लीटली उसका मीनिंग हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ज्वाइन द एनिमल्स, आपको एनिमल्स ज्वाइन करने हैं टू इट्स ग्रुप, ग्रुप के साथ बाय ड्राइंग अ लाइन। आपको लाइन ड्राइंग करके उसके ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बीज, तो बीज को यहाँ पे उसके ग्रुप कैसा है? स्वाम, उसे ज्वाइन किया। वुल्फ, तो पैक, वुल्फ के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? पैक बोलेंगे, तो पैक के साथ ज्वाइन किया। फिश, तो फिश के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? शॉल, SHOL शॉल बोलेंगे। बर्ड, बर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्लॉक। एंट, एंट के ग्रुप में क्या बोलेंगे हम? कॉलोनी। और एलिफेंट के ग्रुप में क्या बोलेंगे हम? ये ऊपर देखिए हर्ड, क्या बोलेंगे हम? हर्ड। तो ये उसके ग्रुप ग्रुप के में ज्वाइंट हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अभी आपको सॉल्व द फॉलोइंग रीडल, आपको रीडल पूरी करनी है। सॉल्व द फॉलोइंग रीडल, रीडल यानी कि कुछ अटपटा या फिर कुछ ऐसा जो हमें सोचने पे मजबूर कर दे, तो हम सोचेंगे और लिखेंगे। आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, तो मैं सबसे बड़ा एनिमल हूँ, तो उसका आंसर है एलिफेंट। क्या हो गया? एलिफेंट जो है वो सबसे बड़ा एनिमल है लैंड यानी कि पृथ्वी पे। आई कैन लिव बोथ, मैं जी सकता हूँ ऑन लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, लैंड यानी जमीन पे एंड इन वाटर यानी कि पानी में भी जी सकता हूँ। तो क्या है? टॉर्टोइज है वो। आई गिव यू मिल्क, मैं मिल्क देता हूँ, कौन है? काउ। आई हैव वेब्ड फीट, मेरी जो फीट है वो वेब्ड फीट है, तो वेब्ड फीट यानी कि उसमें वेब जैसा है वो, तो कौन है वो? DUCK डक। इफ यू हैड अ मैजिक वैंड, अगर आपके पास मैजिक वैंड होता, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? हाउ वुड यू यूज इट, आप कैसे यूज करते उसको? तो मैंने आंसर दिया है, इफ आई हैड अ मैजिक वैंड आई वुड गिव पुअर पीपल मनी टू बाय न्यू होम्स, मैं गरीब लोगों को पैसे देता नए घर खरीदने के लिए।
इफ आई हैड अ मैजिक वांड, अगर मेरे पास मैजिक वांड होता तो आई वुड सेव द अर्थ फ्रॉम कोरोना वायरस। मैं अगर मेरे पास मैजिक वांड होता तो आई वुड सेव द अर्थ, मैं यहाँ पे अर्थ फ्रॉम कोरोना वायरस से मैं अर्थ को बचाता। आई वुड ऑल्सो टर्न, मैं बदल देता। आई वुड ऑल्सो टर्न ऑल बैड पीपल इन टू एंट्स, जो बैड पीपल खराब लोग हैं मैं उन सबको मैं किस किस में बदल देता, एंट्स चींटियों में बदल देता। तो यहाँ भी आप, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, इफ आई हैड अ मैजिक वन आई वुड, उसके बाद जो ये है वो आप अपनी तरह से लिख सकते हो, आप अपनी तरह से लिख सकते हो, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से आपके जो विचार है, आपकी जो विषय है वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये रहा, अगर मेरे पास मैजिक वैंड होता तो मैं क्या करता। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फाइंड आउट द नेम्स ऑफ क्रिएचर्स फ्रॉम द क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड जो है आपको क्रिएचर्स का नाम क्रॉसवर्ड में से ढूंढने हैं, क्रॉसवर्ड पजल जो है वो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज, पिक्चर क्लूज जो है वो यहाँ से आपको ढूंढना है। तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे मंकी है यहाँ पे, यस मंकी है, फिर मैना भी है, यस, क्रोकोडाइल भी है, यस, ये रहा क्रोकोडाइल, फिश फिश भी है, लायन भी है, यस लायन, एलिफेंट भी है, और जिराफ, यहाँ पे जिराफ, यू कैन सी स्पेलिंग ऑफ जिराफ हियर, जिराफ का स्पेलिंग देख सकते हो, बटरफ्लाई, यू कैन सी हियर बटरफ्लाई स्पेलिंग, बटरफ्लाई जो है ऊपर जो दी गई है बटरफ्लाई, जेब्रा, जेब्रा का स्पेलिंग, जेब्रा जो है उसका स्पेलिंग भी यहाँ भी है, ऑक्टोपस भी है यहाँ पे आप, यू कैन सी, और कांगारू, जो कांगारू है वो आपको ऊपर दिखेगा। तो ये रहा आपका क्रॉसवर्ड सॉल्व हो गया। तो आप एक एक एनिमल पर टिक करते जाओ और यहाँ पे क्रॉसवर्ड जो है वो आप ढूंढ के, स्पेलिंग ढूंढ के लिखिए। यहाँ पे आप क्या करना है, मेक एडजेक्टिव्स, आपको एडजेक्टिव्स बनाने हैं, एडजेक्टिव्स बाय एडिंग फुल, आपको फुल आप ऐड करोगे टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, आप अगर जो वर्ड है उसमें फुल यूज करोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो एडजेक्टिव जो है वो क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव जो है वो किसी किसी भी नाम या किसी भी नाम जो है वो किसी भी नाम जो है वो उसमें वो ऐड करता है, इसीलिए हमें एडजेक्टिव, ऐड यानी कि ऐड करता है वो, तो ऐड करता है इसी पर से हमें एडजेक्टिव बनाना है। जब भी हम कोई ऐड करेंगे फुल तो एडजेक्टिव बन जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे हमने ब्यूटी है जो ब्रैकेट में, तो ब्यूटी के पास क्या रखा, ब्यूटी के पास हमने ब्यूटी में क्या उम्र दिया, ब्यूटी में क्या ऐड कर दिया, फुल ऐड कर दिया यहाँ पे फुल, तो ब्यूटीफुल हो गया। तो क्या हो गया, फुल ऐड कर दिया, ब्यूटीफुल, ब्यूटी में फुल ऐड कर दिया तो ब्यूटीफुल हो गया। तो ये जो ब्यूटीफुल है, वाई का हमने क्या किया, वाई को निकाल दिया और FUL, वाई को निकाल दिया और आई लिख दिया और FUL हमने रख दिया, तो ब्यूटीफुल हो गया। ब्यूटीफुल का मतलब कि बहुत ही सुंदर, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो गर्ल है, वो गर्ल है, लेकिन कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है। तो यहाँ जो नाम है उसमें ये नाम के आगे जो वर्ड आता है वो कुछ ऐड करता है, उसकी विशेषता बताता है, इसीलिए हमें एडजेक्टिव बोल दिया हमने। इटिंग टू मच चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट खाएंगे तो,
हाम, यहाँ पे क्या है, हाम, तो हाम के बाजू में हमने फुल रख दिया, तो क्या हो गया, हार्मफुल। तो ईटिंग टू मच चॉकलेट्स इज हार्मफुल, बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही नुकसानकारक है, बहुत ही नुकसानकारक है फॉर चिल्ड्रंस टीथ, जो चिल्ड्रन है, बच्चे है, उसकी टीथ के लिए, उसके दांतों के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही खराब है। तो हार्मफुल जो है वो चिल्ड्रंस टीथ जो है उसके आ गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, मोहन वॉज अ मैन ऑफ द विलेज। पावर आ गया, पावर ब्रैकेट में क्या है, पावर, तो पावर के साथ हम क्या रख देंगे, फुल रख देंगे, तो पावरफुल। वो मैन था, लेकिन कैसा मैन था, तो वो पावरफुल मैन था। कैसा, तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे कैसा या फिर कैसी, तो ये एडजेक्टिव आपको पता चल जाएगा। तो मैन था, मोहन एक मैन था, लेकिन कैसा मैन था, पावरफुल मैन था। तो जो पावरफुल है वो एडजेक्टिव, यानी कुछ उसका विशेषण बताया या फिर कुछ उसमें ऐसी क्वालिटी बताई कि जिससे वो पावरफुल मैन था, ऐसे हमको पता चलता है। तो एडजेक्टिव इसी का इसी के लिए हो, जो इसी के लिए यूज होता है। नीम एंड तुलसी, नीम एंड तुलसी आर प्लांट्स, वो प्लांट्स हैं, यूजफुल। तो यहाँ पे यूज है, तो यहाँ क्या रखा हमने, यूजफुल। तो नीम एंड तुलसी आर यूजफुल, नीम एंड तुलसी है लेकिन वो प्लांट्स है, लेकिन वो कैसे प्लांट्स है, यूजफुल प्लांट्स है, बहुत ही उपयोगी है। तो जो फुल लगाया हमने, तो हमें पता चलता है कि एडजेक्टिव हो गया, और हमें उसके बारे, जो नाम है उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा सुनने को या फिर जानने को मिलता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो आपको सभी ये जो एक्सरसाइज है, आपको वन टाइम नोटबुक में लिखनी है और फिर वर्कबुक में भी लिखनी है, और जितने एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में दी गई है वो आप लोग टेक्स्ट बुक में से भी यहाँ कॉपी डाउन कीजिए। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।